आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शौचालय योजना की नई लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक करेंगे। दोस्तों, अगर आपका इस लिस्ट में नाम होगा तो भारत सरकार की तरफ से आपके खाते में 12,000 रुपए की नगद धनराशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके गांव में किन किन लोगों को शौचालय योजना का लाभ मिल रहा है, किन किन लोगों के खाते में 12,000 रुपए की नगद धनराशि ट्रांसफर हो चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटे का ऑप्शन दिख रहा है तो उसको आप ऑल प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये मेरी वीडियो कौन से प्रदेश से देख रहे हैं और अभी तक आपको शौचालय योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिला। तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपके गांव में कितने लोगों के खातों में 12,000 रुपए सरकार दे रही है? इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर आना है। मोबाइल पर आने के बाद आपको यहां पे गूगल को ओपन कर लेना है। मैंने गूगल को पहले से ओपन कर रखा है। यहां पे आपको टाइप करना है SBM, सिर्फ आपको सिर्फ यही टाइप कर लेना है और इसको सिंपल सा सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूरा डाटाबेस मिल जाएगा। टोटल टॉयलेट कितने बनाए गए हैं, इतने बनाए गए हैं, इतने लोगों के बनना बाकी हैं, इतने लोगों के बन चुके हैं, इतने खाते में, इन लोगों के खाते में इतना पैसा आ चुका है, यहाँ पे आपको पूरा रिपोर्ट दिख जाएगा। आपको लिस्ट चेक करना है, नई लिस्ट आपको करना क्या है, इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा स्वच्छ भारत मिशन टारगेट वेस्ट अचीवमेंट ऑन बेसिक ऑफ डिटेल इंटाइट, आपको इसके पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर नहीं जाना, आपको सिर्फ पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेट, आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हों वो आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर सकते हैं, असम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं वो आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसे ही मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया उसके बाद कह रहा है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को दोस्तों सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कह रहा है ब्लॉक, आपको यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करना है। आप यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद कह रहा है व्यू रिपोर्ट, आपको जो व्यू रिपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि इतने इतने सन में इतने इतने लोगों का बन चुका है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2014 से 2015 लोगों का इतना टॉयलेट बना है, 2015 से 16 लोगों का इतना बना है, 2016 से 17 लोगों में इतने लोगों का टॉयलेट बन चुका है, 17 से 18 इतने लोगों का टॉयलेट बन चुका है, 18 से 19 में इतने लोगों का टॉयलेट बन चुका है और 19 से 20 की फिलहाल कोई लिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके गांव में किन किन लोगों के खाते में सरकार पैसा भेज रही है और कितना रुपए आ रहा है। अगर आपका नाम होगा तो आपके भी खाते में सरकार 12,000 रुपए भेज चुकी होगी टॉयलेट बनवाने के लिए। ऐसे दोस्तों आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कैसे आपको लिस्ट में नाम चेक करना है। फिर भी आपको किसी प्रकार कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।